हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु कौशिक, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर नई मंडी मुजफ्फरनगर से भौतिकी प्रवक्ता। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाश यंत्र के टॉपिक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर कोई श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम इस चित्र की सहायता से समझेंगे। ये कोई श्वेत प्रकाश किरण है, ये इस प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है। मूल किरण का जो मार्ग है वो कुछ ये था और ये निर्गत किरणें हैं, 7 रंग में विभक्त हो गई। इनको याद रखने का जो तरीका है वो है विबग्योर। वायलेट यानी के बैंगनी, इंडिगो यानी के आसमानी, ब्लू यानी के नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और सबसे ऊपर होता है रेड यानी के लाल। तो श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में बट जाना, इस श्वेत प्रकाश किरण का 7 रंगों की किरणों में विभक्त हो जाने की जो घटना है, इसे ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? प्रत्येक, अब जितने भी ये रंग हैं सबकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है लाल की, यानी कि लैम्डा की वैल्यू नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है नीले की, वायलेट यानी कि बैंगनी कलर की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, और सबसे ज़्यादा होती है लाल की। क्योंकि प्रत्येक रंग की जो चाल है, प्रकाश के प्रत्येक रंग की जो चाल है किसी भी माध्यम में, वो अलग अलग होती है। इसलिए अलग किसी भी माध्यम में सबकी चाल अलग अलग होने के कारण इनका विचलन भी अलग अलग होता है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य तो बढ़ती जाती है, लेकिन विचलन घटता जाता है। ये जो हमें वर्ण क्रम प्राप्त हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, जिसे हमने विबग्योर के थ्रू लिखा है, इस वर्ण क्रम को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो किसी भी श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और वर्ण विक्षेपण का कारण अलग अलग रंग के प्रकाश की किसी भी माध्यम में चाल का अलग अलग होना है। चाल अलग अलग होने के कारण ये सभी रंग के प्रकाश किरण अलग अलग कोण पर विचलित होती हैं, अलग अलग कोण पर मुड़ जाती हैं और विभक्त हो जाती हैं। तो ये घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण उन दो रंगों के किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसे हम एक चित्र और एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जैसे हमने ये एक श्वेत प्रकाश किरण खींची है और इसका ये लाल रंग की प्रकाश किरण है और ये बैंगनी। अगर मैं
इन निर्गत किरणों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, पीछे की तरफ बढ़ाऊं, तो जिस बिंदु पर ये काटती हैं वहां पर इनके बीच एक कोण बनता है जिसे मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इन दो निर्गत किरणों के बीच बनने वाला ये जो कोण है जिसे थीटा से व्यक्त किया गया है, ये इन दो रंगों के लिए यानी कि लाल और बैंगनी रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण है। यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये हमारी मूल किरण का जो मार्ग था वो ये था, लाल रंग का विचलन डेल्टा आर है विचलन कोण, और ये डेल्टा वी। तो अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूं तो डेल्टा वी में से मुझे डेल्टा आर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो थीटा की जो वैल्यू होगी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होती है। ये हम केवल लाल और बैंगनी के लिए ही नहीं, किन्हीं भी दो रंगों की निर्गत किरणों के लिए ले सकते हैं। किन्हीं भी दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण उन दो रंगों की प्रकाश किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये अब किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, जैसे हमारा प्रकाशिक माध्यम ये प्रिज्म ही है, इसके लिए हमें निकालना है कि इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता हमेशा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बैंगनी और लाल के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, और किसी माध्य रंग के लिए विचलन कोण जैसे पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात के बराबर होता है। हम जानते हैं कि थीटा का जो मान है वो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, और ये होगा डेल्टा वाई। इसे मैं अगर और सरल करूं, इसकी अगर ये विचलन कोण बहुत कम है अल्पतम है, तो इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं एन वी माइनस वन इंटू ए, जहां ए प्रिज्म कोण है, माइनस ऐसी रेड के लिए लाल के लिए एन आर माइनस वन इंटू ए, येलो के लिए लिखेंगे यानी कि पीले के लिए एन वाई माइनस वन इंटू ए। तो इस सूत्र का स्वरूप हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है एन वी माइनस एन आर अपोन एन वाई माइनस वन, ये हो गया ओमेगा। तो ये किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र है, ये कोणीय वर्ण, ये वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये हमने पढ़ा कोणीय वर्ण विक्षेपण और ये वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब हम वर्ण विक्षेपण की एक प्राकृतिक परिघटना के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति में हम वर्ण विक्षेपण की घटना को कहाँ देखते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण की परिघटना पर आधारित, या वर्ण विक्षेपण की घटना को दिखाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण पर आधारित एक प्राकृतिक परिघटना है। हम अक्सर वर्षा के समय या बारिश के समय आसमान में इंद्रधनुष का बनना देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण की संयुक्त प्रभाव पर आधारित एक परिघटना है। यानी कि इस परिघटना में ये तीनों चीज़ें होती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अब इसे मैंने इंद्रधनुष के बनने की घटना को एक ये चित्र के द्वारा समझाया है। ये सूर्य का प्रकाश
जब वर्षा की बूंद वातावरण में स्थित जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं उसमें प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तन हो जाता है, और जिस प्रकार प्रिज्म से अपवर्तन के बाद सात रंगों में प्रकाश किरण बट जाती है, ऐसे ही यहाँ पर ये सात रंगों में बट जाती है, यानी कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अलग अलग विभक्त हो जाता है। फिर बूंद के आंतरिक पृष्ठ से प्रत्येक रंग की प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद ये पुनः इसके आंतरिक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद निर्गत होती हैं। आप सूर्य के प्रकाश के सापेक्ष जो निर्गत किरणें हैं उनमें लाल और बैंगनी, रेड और वायलेट, क्रमशः 40 डिग्री और 42 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि जो सूर्य का आपतित प्रकाश है उसके सापेक्ष निर्गत प्रकाश किरणें लाल के लिए 42 डिग्री और नीले के लिए वो वायलेट यानी कि बैंगनी के लिए 40 डिग्री का कोण बनाती हैं। बाकी सभी रंगों के कोण 40 और 42 के बीच में होते हैं। अब इंद्रधनुष दो प्रकार से बनते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष तीन चरणीय प्रक्रम है, यह मैंने इस चित्र में प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना दिखाया है। इसमें यह तीन प्रक्रम में कंप्लीट होता है। इसमें पहली घटना है प्रकाश का अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि तीन चरणीय प्रक्रम है, आंतरिक अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके बाद पुनः अपवर्तन, तीन चरणीय प्रक्रम है। अपवर्तन के बाद ये सात रंगों में विभक्त हो जाता है और फिर आंतरिक पृष्ठ से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर आंतरिक पृष्ठ से ही अपवर्तन के बाद सात रंग की प्रकाश किरणें निर्गत होती हैं। इसमें दिखाया गया है प्राथमिक इंद्रधनुष में इंद्रधनुष के शीर्ष पर लाल रंग होता है और पेंदी में यानी कि सबसे बॉटम में बैंगनी रंग होता है। बाकी रंग विभग्योर के अनुसार इसी सीक्वेंस में होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, वायलेट से रेड की ओर। तो इसमें सब शीर्ष पर लाल होता है और पेंदी में बैंगनी होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष को इस चित्र में दिखाया गया है, द्वितीयक इंद्रधनुष का बनना चार चरणीय प्रक्रम है। इसमें पहले अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसके बाद पुनः अपवर्तन। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये आपतित प्रकाश है, इसका अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के बाद अंदर प्रवेश करता है, ये सात रंगों में विभक्त हो जाता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद फिर दोबारा से पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर पुनः अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें निर्गत होती हैं सात रंग की। द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्ण क्रम जो है, जो रंगों का क्रम है, वो प्राथमिक से उल्टा होता है। इसमें शीर्ष पर बैंगनी होता है और पेंदी में यानी कि बॉटम में लाल होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के दौरान चूंकि दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए निर्गत प्रकाश की जो बाहर निकल रहा है, जो दर्शक तक पहुंचता है, उस प्रकाश की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। इस तीव्रता कम हो जाने के कारण जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में थोड़ा धुंधला बनता है। तो ये हमने आज प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को पढ़ा और उससे संबंधित कुछ परिघटनाएं और अलग अलग टॉपिक पढ़े। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का सात रंगों में बट जाना, किसी श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसका रंग वो श्वेत प्रकाश होता है, तो किसी भी प्रश्वेत प्रकाश किरण का सात रंगों में बट जाने की जो घटना है प्रिज्म के द्वारा, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य
रंग यानी कि पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात कोणीय किसी प्रकाशिक माध्यम यानी कि प्रिज्म जैसे हमने माध्यम लिया है इसके लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। पूर्ण वर्ण विक्षेपण का जो संबंधित प्राकृतिक परिघटना है वो इंद्रधनुष का बनना है, वो यहाँ समझाया गया है। इंद्रधनुष दो तरीके से बनते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इसमें सबसे ऊपर लाल होता है, बॉटम में नीला होता है, लेकिन द्वितीयक में ये वर्णक्रम उल्टा होता है। द्वितीयक प्राथमिक की तुलना में बहुत प्राथमिक की तुलना में थोड़ा धुंधला होता है। अब इंद्रधनुष बनने की कुछ शर्तें हैं, बनने के लिए आवश्यक शर्तें। दो मुख्य शर्तें हैं इंद्रधनुष बनने के लिए। सबसे पहली शर्त है कि सूर्य आकाश के किसी हिस्से में चमक रहा हो और उसके ठीक विपरीत दिशा में वर्षा हो रही हो। पहली शर्त, सूर्य आकाश के किसी एक हिस्से में चमक रहा हो और उसके ठीक विपरीत भाग में वर्षा हो रही हो, यह पहली शर्त है। भाग में वर्षा हो रही हो, और दूसरी शर्त है कि जो दर्शक है, जो प्रेक्षक है, उसकी पीठ सदैव सूर्य की ओर हो। दर्शक की पीठ सदैव सूर्य की ओर हो। तो ये इंद्रधनुष बनने की दो मुख्य शर्तें हैं। तो जब भी ये कंडीशंस होती हैं तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो पहली तो स्थिति है कि सूर्य आकाश के किसी भाग में चमक रहा हो और उसके विपरीत भाग में कहीं भी सूर्य वर्षा हो रही हो, और दूसरी स्थिति है कि दर्शक सूर्य हमेशा दर्शक या प्रेक्षक की पीठ के पीछे हो। ये दो मुख्य शर्तें हैं, यानी कि प्रेक्षक सदैव सूर्य की तरफ कमर रखे, यानी कि जो प्रेक्षक की पीठ है वो सदैव सूर्य की तरफ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।